कहानी 21वीं परमेश्वर यीशु मसीह रे आवणे रा वादा करा। परमेश्वर ने जब संसार री रचना कीती थी तब तिसु पता था भई एक दिन मसीही जो धरती पर भेजना पड़ना। तिने आदम और हवा कने वादा कीता था से एड़ा करगा। तिने बोलिया भई हवा ते एक कुल होना जो सांपा रे सिरा जो मारगा। जिने सांपा ने हवा जो धोखा दित्या था से शैतान था। परमेश्वर रा मतलब था भई से शैतान जो हराई देंगा। परमेश्वर ने अब्राहमा कने वादा कीता था कि तेरी वजह ते सारे संसार री जातियां जो आशीष मिलनी। परमेश्वर किसी भी टाइम मसीह जो भेजी के अपने वादे जो पूरा करगा। मसीह संसार रे सब लोका और जातियां जो पापा ते छुड़ांगा। परमेश्वर ने मूसा कने वादा कीता था कि आने वाले समय च से मूसा साई एक और भविष्य वक्ता भेजगा और से मसीह होना। इत्ते खतर परमेश्वर ने दोबारा वादा कीता बई से मसीह जो भेजगा। परमेश्वर ने दाऊदा कने वादा कीता था भई तीसरा एक वंश मसीह होना से राजा बनना और परमेश्वर ने लोका पर सदा दया करगा। परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता कने बात कीती भई से एक नया वादा करगा और से वादा पुराने वादे जो सीना पर्वत पर कीता था तेड़ा नहीं होना। जब लोका सामने नया वादा करना तब तिने अपू जो आदमिया रे रूपा च सभी जो दिखाना। सारे लोका ने तिस कने प्यार रखना और तीसरी बात माननी। से तीसरे लोग होने तब परमेश्वर तिना रे पापा जो माफ करगा। से मसीह होना और परमेश्वर रा नया वादा लोका कने करगा। परमेश्वर रे भविष्य वक्ता ने बोलिया भई मसीह एक भविष्य वक्ता होना। भविष्य वक्ता से होना जो परमेश्वर री बात सुनी के लोका जो बता जिसो जो भेजने रा परमेश्वर वादा किया था। से मसीह एक बड़ा भविष्य वक्ता होना। मसीह परमेश्वर रे संदेश सुनी के लोका जो सुले समझांगा। इसराइली रे लोग परमेश्वरा जो बलि चढ़ाते रे। ए बलिया जो लोका ने परमेश्वरा खतर जो पाप कित्या तिते खतर तीसरे स्थान पर चढ़ा थे। याचका ने तिना लोका खतर माफी भी मंगी। पर मसीही जो एक सिद्ध पुरुष होना जिन्हें आपू जो परमेश्वरा खतर बलि करगा तिन्हें कदी पाप नहीं करना और आपू जो बलि करगा। तिते बाद दोबारा दुनिया जो किसी और बलिया री जरूरत नहीं पड़नी। राजा और मंत्री लोका पर राज करां थे और गलतियां भी करां थे। राजा दाऊदा ने इसराइला पर राज कित्या पर राजा दाऊदा रा कुल सारे संसारा पर राज करगा और सदा खतर इत्ते बाद से ईमानदारिया कने न्याय करगा और लोका कने ठीक फैसला करगा। परमेश्वर रे भविष्य वक्ता ने मसीहा रे बारे च बहुत बातें कीतिया जिया कि मसीहा ते पहले एक होर भविष्य वक्ता आना से बहुत जरूरी है। इत्ते बाद यशायाह ने बोलिया भई मसीह एक कुमारी ते जमना और मीका भविष्यवक्ता ने बोलिया कि मसीह बेतलहम नगर च जमना। यशायाह भविष्यवक्ता ने बोलिया भी मसीह गलील देशा च रहना जो लोग दुखा चे मसीह तीना जो सुख देंगा। से जेला च बंद लोका जो बाहर निकालगा। मसीह जो लोग बीमारिया चे टोने देखी नहीं सकते गलाई नहीं सकते चली नहीं सकते तिना जो ठीक करगा। यशायाह भविष्यवक्ता ने बोलिया भई लोग मसीह कने नफरत कर गए और तिसो मारने ते ना करनी। और भविष्यवक्ता ने बोलिया भई मसीह रा एक साथी तीसरे खिलाफ बोलगा। जकरियाह भविष्यवक्ता ने बोलिया भई तीसरा ए साथी एड़ा करने खतर दूजे लोका ते चांदिया रे 30 सिक्के लेंगा। इत्ते अलावा और भविष्यवक्ता ने बोलिया भई लोग मसीह जो मारी देंगे और तीसरे कपड़िया खतर जुआ खेल गए। भविष्यवक्ताओं ने ए भी बोलिया भी मसीह किया मरना। यशायाह ने भविष्यवाणी की भई लोग मसीह पर थूक गए तीसरा मजाक कर गए और तिसो कुट गए। से तीसरे हाथा पैरा जो किला कने छेदी देंगे और से बड़ी पीड़ा और दुखा कने मरी जाना। तिने कुछ भी गलत नहीं कितरा होना। भविष्यवक्ताओं ने बोलिया भई मसीह पाप नहीं करगा से पूरे तरीके कने संपूर्ण होना से इत्ते खतर मरना। परमेश्वर तिसो दूजे लोका खतर सजा देंगा। तीसरे मरने ते लोग परमेश्वरा कने मेल मिलाप करने जो तैयार रहने। इत्ते खतर परमेश्वरा चा भई मसीह मरे। भविष्यवक्ता ने ये भी बोलिया भई परमेश्वर मसीह जो मरीरे में जाते जिंदा करगा। इत्ते पता लगा भी ये नई वाचा जो पूरे करने री परमेश्वरा री योजना थी भी से तीना लोका जो बचाई सको जिन्हें तीसरे खिलाफ पाप कित्या। परमेश्वरा ने भविष्यवक्ताओं पर मसीह रे बारे च कई सारी बातें जो बोलिया
पर मसीह तिना भविष्यवक्ताओं रे किसी रे भी सामने नहीं आया। इना भविष्यवक्ताओं रे आवने रे 400 साल बाद भी ठीक समय पर परमेश्वर मसीहा जो इस संसार च भेजेगा।